दोस्तों, अगर आप रेफ्रिजरेटर या फ्रिज की रिपेयरिंग का काम करते हैं तो फ्रिज का जो मेन पार्ट होता है, जिसे हम थर्मोस्टेट भी कहते हैं, तो उसकी टेस्टिंग करना आज आपको बड़े इजी तरीके से बताऊंगा। शायद आपको आता हो, अच्छी बात है। नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें, नॉलेज वरना मिस हो जाएगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल में सेलेक्ट कर लीजिए और आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। साथ ही एक लाइक कर दीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहेगा और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हमेशा लेके आता रहूँगा। तो इसकी टेस्टिंग की वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग फ्रिज पर अलग अलग थर्मोस्टेट्स आते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ गोदरेज के हैं, कुछ एलजी के भी हैं और ये वाला आप देख सकते हैं, ये यूनिवर्सल है। मतलब कोई भी थर्मोस्टेट आप किसी में भी साइज़ के हिसाब से लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी कंपनी का हो, अगर गोदरेज का है तो इसी साइज़ का हमें एलजी पे मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, उसको लगा लीजिए। तो नॉर्मली इसकी जो रिपेयर तो यह होता नहीं है, अगर आप रिपेयर करना चाहें तो यह खोल कर रिपेयर हो सकता है। आप प्रैक्टिकल कीजिए, यह रिपेयर आसानी से हो जाता है। मैं तो इसको रिपेयर भी करता हूं, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसकी रिपेयरिंग की वीडियो भी मैं आपको लाके दे दूंगा। अभी इसकी टेस्टिंग की बारी आती है। तो मेरे पास तीन यहाँ पर थर्मोस्टेट हैं। इसका काम रहता है, सबसे पहले इसके काम बता दूँ आपको, थर्मोस्टेट का काम क्या होता है। तो दोस्तों, थर्मोस्टेट का जो काम होता है, फ्रिज पर जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल करना, और यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, वोल्टेज कंट्रोल करने के साथ साथ यह वहाँ पर फ्रिज की कूलिंग की स्पीड को कम ज़्यादा करने का काम करता है। और बीच में आपको ये जो स्विच दिखाई दे रहा है, तो गलती से आप इस बटन को प्रेस कर देते हैं तो फ्रिज 24 घंटे के लिए बंद हो जाता है। आप घबरा जाते हैं और मैकेनिक को बुला लेते हैं, और मैकेनिक क्या करते हैं, अगर अच्छा खासा हो तो वह पैसा नहीं लेता है, अगर दूर से आया हो आपका सर्विस चार्ज वह 500-600 रुपया ले लेता है। तो आप जानते हैं कि किसी चीज़ का सर्विस चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब होता क्या है, अभी क्या करना है, इसको इस तरीके से प्रेस हो जाता है तो आप इस तरीके से इसको खींच लीजिए। खींचना नहीं आता तो क्या है कि एक प्लास की मदद से ऊपर को आ जाता है, एक रेड कैप को आप हटाइए और खींच लीजिए। आपको आपको यह प्रॉपर वर्क करके आपको स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। अब होता क्या है, आप वेट भी कर सकते हैं 24 घंटे का। तो अब बात करते हैं इसकी, ये वाली ये जो छड़ है, छड़ असल में यह छड़ नहीं है, यही थर्मोस्टेट है। ये हमारा ऊपर सबसे ऊपर जहाँ पर हमारी बर्फ़ जमती है वहाँ तक अटैच रहता है, तो इसी के हिसाब से हमें पता चलता है। यही वहाँ से टेम्परेचर को नापता है और इसके अंदर कुछ गैस होती है, अगर इसको आप तोड़ते हैं तो एक फस्स से आवाज़ से आती है, इसके अंदर एक गैस सी होती है, वही हमारे जो ऊपर कूलिंग का जो सिस्टम होता है उसी को एब्जॉर्ब करता है और बताता है कि उसी के हिसाब से उसको कितना ठंडा करना है। यह बटन कंट्रोल पूरा सिस्टम यह होता है। तो इसका काफ़ी बड़ा मैकेनिज्म है, मुझे भी अभी तक समझ नहीं आता है। तो फ्रिज में इसकी रिपेयरिंग का काम करता हूँ और इसको टेस्ट करना आपको बताता हूँ। तो रिपेयर की वीडियो तो आपके लिए बाद में दे दूँगा, अभी इसकी टेस्टिंग करना मैं बता देता हूँ। ज़्यादा बातें न करते हुए इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं, थोड़ा सा समझाने में मेरा वक्त निकल जाता है। तो ये वाले इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ, ये एलजी की है, काफ़ी छोटी है, तो इसकी टेस्टिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको सीरीज वगैरह में टेस्ट करना आता है तो कर आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में एक लिंक दे दूंगा आपको, कैपेसिटर की टेस्टिंग करना मैं वहाँ पर सिखाया हूँ और साथ में आपको बताया भी इसमें सीरीज कैसे बनाते हैं, तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस तरीके से आप सीरीज बना के इसको चेक कर सकते हैं। अगर सीरीज नहीं बनाना आता तो मल्टीमीटर से आप इसको ईजिली चेक कर सकते हैं। तो ये है मेरे पास मल्टीमीटर, आपने इसको कंटिन्यूटी की रेंज पर सेट कर लेना है। यहाँ पर आपको बीप सुनाई दे रही है। अब करना क्या है, यहाँ पर इसको इस तरीके से आपने रख लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कुछ टोन आपको सुनाई देनी चाहिए, ओके कंडीशन में है तो कुछ आपको बीप सुनाई देगी। अगर आपको बीप सुनाई नहीं देती है तो समझ लीजिए ख़राब है। तो इसको टेस्ट करते समय पहले तो आप इसमें अटैच कीजिए, देखिए अटैच कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो बटन है उसको घुमा लीजिए, अगर घूम नहीं रहा है तो एक नोज प्लायर या प्लायर की मदद से आप इसको घुमा लीजिए, काफ़ी टाइट होता है। तो इस तरीके से घुमाएंगे तो यहाँ पर रीडिंग शो करने लगेगा, मतलब यह बटन एक तो फुल्ली डैमेज हो जाता है, दूसरा क्या होता है कि घूमते समय कहीं पर रीडिंग शो कर देता है। तो यहाँ पर अगर बटन ओके रहेगा तो हर जगह पे रीडिंग शो करेगा। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर रीडिंग शो करना चाहिए, अगर रीडिंग शो नहीं करते तो आप बटन को इस तरीके से घुमाइए, आपका पक्का रीडिंग शो करेगा। नहीं करता है तो समझ लीजिए आप फुल्ली डैमेज यह है। तो अभी तो जो ख़राब है उसकी टेस्टिंग करके बता दी, ये तो ख़राब है। अब दूसरे वाले को मैं पकड़ता हूँ, ये वाला, ये गोदरेज का है, गोदरेज पर ज़्यादा है यूज होता है। अब बाकी सारे एक जैसे होते हैं, ये स्विच ही है एक तरफ से। अगर फ्रिज आपने
फ्रिज को, अगर फ्रिज ख़राब हो जाता है तो काम चलाने के लिए आप कीजिए क्या कीजिए, इसके दोनों तारों को शॉर्ट कर लीजिए, इसको हटा दीजिए और दो तार जो यहाँ पर लगी हुई उनको मिला लीजिए, फ्रिज आपका चलने लगेगा, कोई घबराने की बात नहीं है, काम चलाओ आपका हो जाएगा पूरा। जल्दी से आप इसको यूज ला के लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा है कि इसके बिना फ्रिज को अगर हम चलाते हैं तो होता क्या है, फ्रिज कंटिन्यू चलते रहता है, रुकता नहीं है। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाता है इसको पता, इससे क्या ना पता चल जाता है कि ऊपर बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम चुकी है, ठंडा हो चुका है, तो यह ऑटो कट कर देता है फ्रिज को। ये इसका बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसमें, तो आप इसको बिना इसके चला सकते हैं, लेकिन ऊपर आपको बटन घंटे दो घंटे बाद ऑफ़ करना पड़ेगा। चलिए ज़्यादा बातें हो गई हैं, अब इसकी टेस्टिंग करता हूँ, बातों के साथ साथ मैं आपको काम करना भी सिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, तो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। देखिए यह हमारा बीप दे रहा है, आप समझ सकते हैं बिल्कुल ओके कंडीशन में। अब जो है इसके साथ इसके बटन को मैं घुमाने की कोशिश करता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं अटैच कर लेता हूँ ताकि ये हटे ना। अब देख लीजिए, अब इसके बटन को मैं घुमाता हूँ एक प्लायर की मदद से, देख लीजिए यहाँ पर बीप देगा लास्ट तक, जहाँ तक जब तक हम ऑफ़ नहीं करते तब तक बीप देगा, यहाँ पर ऑफ़ हो चुका है। अब इसको ऑन करते हैं, देखिए देखिए यह ऑन हो चुका है और बीप दे रहा है। अब इसको ऑफ़ करते हैं तो बीप बंद हो जानी चाहिए, देखिए देखिए बीप बंद होगी, अब ऑन करते हैं तो बीप चालू होगी, यह ओके कंडीशन में है। इस तरीके से सारे थर्मोस्टेट आप चेक कर सकते हैं। अभी इसको भी टेस्ट करके दिखाता हूँ, जो यूनिवर्सल वाला है इसको भी मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो इसके भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से पिन दी गई है, तो इसमें भी मैं अटैच कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भी बिल्कुल ओके कंडीशन में है, यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं 3 ओम पर 2 ओम पर यह सेट हो गया। अब इसको मैं घुमा के देखता हूँ, देखिए किस कंडीशन में, बिल्कुल ऑफ हो गया, अब ऑन करता हूँ तो यह चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बटन काफ़ी टाइट है तो इस तरीके से घुमाते हैं, तो देखिए पूरा लास्ट तक घूमने के बाद भी यहाँ पर कंटिन्यूटी शो करनी चाहिए, तो बिल्कुल ओके कंडीशन में यह है। तो इसकी टेस्टिंग बड़ी ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने वीडियो जो बताई, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई, क्योंकि पसंद आने के साथ साथ आपने कुछ सीखा भी होगा। तो मेरी सारी वीडियो इस तरीके की होती हैं, मैं आपको बड़े तरीके से मैं हर चीज़ें समझाता हूँ ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए, जो प्रोफेशनल वर्क इसका करते हैं उनको भी समझ में आ जाए और जो नए सीख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए। मेरी सारी वीडियो आप देखेंगे तो आपको ईजिली, बिल्कुल ईजिली हर चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं एक सिरे से उठाता हूँ और लास्ट तक पूरा आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। ये नहीं कि बीच से आपको थर्मोस्टेट उठा लिया और बीच से खोल के दिखा दिया भाई, ये नहीं, खोलने की सारी प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे खुलता है ये बताऊंगा, भाई जितना मुझे आता उतना बताता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो सभी लोग देखें, सभी के लिए नॉलेजफुल हो और बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिले। तो चलिए फिर, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर ही दीजिए और शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।